नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज आपके बीच में एक बहुत ही प्रेरक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, जीवन में आप कई बार कोई काम करते हैं, उस काम के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं और ज़्यादातर लोग उन चैलेंजेस को, उन चुनौतियों को फेस नहीं कर पाते हैं और उस काम को बीच में ही छोड़ के कोई दूसरा काम पकड़ लेते हैं। अगेन फिर दूसरे काम में जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो उसको फेस नहीं कर पाते हैं और फिर कोई काम चेंज करते हैं। दोस्तों, आज मैं कहानी के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ में अगर आपके सामने कोई चैलेंजेस आते हैं तो उनको किस तरीके से आप फेस कर सकते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूँ, उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक जंगल के अंदर एक हिरन को बहुत प्यास लगती है। बहुत ढूंढने के बाद भी उस हिरन को पानी नहीं मिलता और पानी की तलाश में वो हिरन बहुत दूर निकल जाता है। जब बहुत तलाशने के बाद भी उसको पानी नहीं मिलता, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, तो ईश्वर को याद करता है। वो ईश्वर से प्रे करता है कि इतना ढूंढने के बाद भी मुझे पानी क्यों नहीं मिल रहा। जैसे ही वो ईश्वर से प्रे करता करता थोड़ा सा आगे निकलता है, उसको दूर कहीं पानी के बहने की आवाज सुनाई देती है। वो बड़ा खुश होता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है और उस दिशा की तरफ पूरी ताकत लगा के दौड़ना शुरू कर देता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद उसको एक बहुत ही विशालकाय नदी दिखाई देती है। उसमें निर्मल पानी बह रहा होता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो आसमान में ऊपर देखता, भगवान को धन्यवाद करता है और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकता है, उसको अपने राइट साइड से एक आवाज सुनाई देती है। और जैसे वह राइट साइड में देखता है तो वह हैरान हो जाता है। राइट साइड में एक शिकारी खड़ा होता है हाथ में बंदूक लेके, और वो उस हिरन का शिकार करने की पूरी तैयारी में था। वो घबरा जाता है, लेकिन अचानक उसको अपने लेफ्ट साइड से भी एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो लेफ्ट साइड के अंदर देखता है तो एक खतरनाक और खूंखार शेर धाक लगा के बैठा होता है उस हिरन का शिकार करने के लिए। अब उसको फिर ईश्वर याद आते हैं। एक तरफ शिकारी बंदूक लेके खड़ा है, दूसरी तरफ शेर धाक लगाए बैठा हुआ है उसका शिकार करने के लिए। वो फिर ईश्वर को याद करता है। अचानक उसको पीछे से आवाज आनी शुरू होती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे जंगल में बहुत भयानक आग लग चुकी होती है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अब वो घबरा जाता है, वो परेशान होता है कि क्या करे। लेकिन अचानक वो ईश्वर को याद करता है और मन ही मन अपने आप से एक बात बोलता है कि कोई बात नहीं, इधर शिकारी है, इधर शेर है, पीछे से आग है, मरना तो मेरा तय है, क्योंकि इधर भागूंगा तो शिकारी मारेगा, इधर भागूंगा तो शेर खा जाएगा और पीछे भागूंगा तो जंगल में आग लगी हुई है। तो क्यों ना जिस काम के लिए मैं आया हूं, जिस चीज की मुझे जरूरत है, उस काम को करके ही मरूं। और वो ईश्वर को याद करता है और जैसे ही पानी पीने के लिए वो नदी के अंदर झुकता है, इतने में आसमान में बहुत तेजी से बिजली कड़कती है, बहुत काले बादल छा जाते हैं और आसमान में बड़ी तेजी से बारिश होनी शुरू हो जाती है। और बारिश इतनी तेज होती है कि जैसे ही बारिश होती है तो पीछे की जितनी भी आग है वो धीरे धीरे बुझनी शुरू हो जाती है। और शिकारी जो उस हिरन की तरफ बंदूक ताने खड़ा था, अचानक जैसे ही वो निशाना लगाता है, आसमान से एक बहुत ही खतरनाक बिजली कड़कती है और उस बिजली कड़कने की आवाज से शिकारी का निशाना चूक जाता है और शिकारी की जो गोली है वो सीधा शेर के पैर में जाके लगती है। और जब शेर ये देखता है कि शिकारी ने उसको गोली मारी, तो शेर भी बहुत गुस्से के अंदर उस शिकारी की तरफ लपकता है। हिरन अपना पानी पीने में मस्त था, लेकिन जैसे ही पानी पी के हिरन अपनी प्यास बुझा के बिल्कुल शांत खड़ा होता है तो क्या देखता है, वो लेफ्ट में देखता है, शेर वहां से भाग के शिकारी की तरफ बढ़ चुका होता है। शिकारी जंगल की तरफ दौड़ लगा रहा होता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो जो आग जल के उसकी तरफ आ रही होती है वो बारिश के कारण पूरी बुझ चुकी होती है। हिरन ईश्वर को धन्यवाद देता है, पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है और जंगल की तरफ दौड़ जाता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है कि आज ईश्वर ने उसका जीवन बचाया। अब आप कहेंगे कि इस कहानी से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों, इस कहानी से आप एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं।
जैसे हिरन पानी की तलाश में निकला होता है, उसी तरीके से कई बार अपने लक्ष्य की तरफ जब आप बढ़ रहे होते हैं, अपने गोल की तरफ जब आप बढ़ रहे होते हैं, अपनी कामयाबी की तरफ जब आप बढ़ रहे होते हैं, तो आपके सामने भी उस शिकारी की तरह, उस शेर की तरह, उस आग की तरह चारों तरफ से प्रॉब्लम आती है। और ज़्यादातर लोग उन प्रॉब्लम्स को देखने के बाद हिम्मत हार जाते हैं और उस काम को या तो बीच में छोड़ देते हैं या फिर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग उस हिरन की तरह अपने काम पे फोकस करते हैं, उनके अंदर एक उस हिरन की तरह एक पॉजिटिव विचार आता है कि मरना तो मेरा तय है, तो क्यों ना अपना काम करके मरूं, क्यों ना अपनी प्यास बुझा के मरूं। तो जितने भी लोग सफल होते हैं, चैलेंज उनको भी आते हैं, चारों तरफ से कई बार हर तरफ से उनके सामने चैलेंज और चुनौती आती है, लेकिन उनका फोकस अपने काम पे होता है, उनका फोकस अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम पे होता है। वो कहीं से भी जो चुनौती आती है, कहीं से भी जो चैलेंजेस आते हैं, उनकी तरफ फोकस नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस करते हैं और धीरे धीरे वो अपने गोल की तरफ बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और वो जो चुनौतियां हैं, वो शेर की तरह, वो शिकारी की तरह और उस आग की तरह उनके जीवन से खत्म हो जाती है और उनका जीवन बहुत खुशहाल होता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम में चुनौतियाँ तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे, दिक्कत तो आएंगी, लेकिन आपका फोकस अपने गोल पे होना चाहिए, अपने काम पे होना चाहिए। जिस तरीके से उस हिरन ने सोचा कि मरना तो है, तो क्यों ना मैं अपना काम करके मरूं, इसी तरीके से आपको अपना फोकस पूरा अपने काम की तरफ करना है। जीवन में जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, जो प्रोसेस हैं, वो तो आते हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी, इसमें जो मैसेज छुपा हुआ था ये आपको पसंद आया होगा। इस स्टोरी को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी तरह कोई दूसरा व्यक्ति भी अपने काम के अंदर अपने चैलेंजेस को फेस कर रहा है, हो सकता है ये वीडियो आपके माध्यम से उनकी कुछ मदद कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।